हेलो गाइस, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है और आज हम मैथ देखेंगे। आपको पता है, चाहे 8वीं से लेके इवन ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मैथ नहीं आते, मैं इंडिया के राज्य नहीं पता होते कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो इसलिए आज सबसे पहले, जैसे कि आपको बेसिकली मैप आना भी चाहिए, साथ में ये एकेडमिक रूप से भी उपयोगी है। जैसे 9वीं 10वीं में 5 नंबर के मार्क्स के आते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे याद करेंगे। याद करने से पहले आप देख लीजिए, एक चीज सुनिए। हम जैसे कक्षा 10वीं का एक चैप्टर है सिक्स का, सत्ता की साझेदारी, उसमें आप देखेंगे श्रीलंका के अंदर कैसे तमिल और सिंगलियों के बीच में संघर्ष होता है और तमिलों को रोजगार, शिक्षा, इसमें असमानता होती है, उन्हें समानता नहीं मिलती, उनका जीवन एक तरीके से अंधकार में होता है। तो आप इतना याद रखना, तमिलों का जीवन अंधकार में, ठीक है, ताकि ये खाली सिर्फ ट्रिक्स के लिए, ताकि मैप आसानी से याद हो जाए मैप में कौन कौन से राज्य कहाँ का है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका के ऊपर तमिलनाडु। मैंने जैसे आपको बताया सिंगली श्रीलंका और तमिलनाडु के पास में, यहाँ कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो राज्य है तमिलनाडु के बगल में, लंबा सा ऐसे कुछ करके राज्य है, लाइक करेला करेला या केला, ऐसे राज्य, इससे ही लंबा सा राज्य ऐसे आपको याद करना है। ये क्या बन गया, करेला से केरल, क्या बन गया, केरल, ठीक है। अब तमिलनाडु के बगल में केरल लंबा सा राज्य, उसके ऊपर कहाँ से केरल, कहाँ से उसके ऊपर वाला राज्य कर्नाटक, कहाँ से केरल, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से केरल, कहाँ से उसके ऊपर वाला कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोल, गोल से गोवा, ये गोल जैसा राज्य दिख रहा है, गोल से कौन सा राज्य हो गया, गोवा, गोवा, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में केरल, केरल के ऊपर कहाँ से कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोल से गोवा, गोल गोवा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर मैं कहूँ मध्य इंडिया के मध्य, तो आप पॉइंट यहाँ करोगे, ठीक है। तो मध्य मीन्स यहाँ पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, कौन सा राज्य है, एमपी, एमपी। अब मैं कह रहा हूँ एमपी के ऊपर, एमपी के ऊपर, जब मैं एमपी के ऊपर कहूंगा तो ऐसे कहूंगा ऊ और पारा पर ऊपर, और ये किस चीज का सिंबल है, उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो राज्य है एमपी के ऊपर कौन सा, ऊ, एमपी के ऊपर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊपर इधर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, क्योंकि आपको पता है तो नेपाल है, ऊंचा उत्तर प्रदेश, ऊंचा उसके ऊपर वाला उत्तराखंड, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, ये हमारा जो देश है, पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, पास है पाकिस्तान, पास है ये कौन सा, ये पास है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बगल में पास है हमारा कौन सा राज्य, पास है पाकिस्तान, पास है पंजाब। आपको पता है पंजाब और एक और राज्य का नाम साथ में लिया जाता है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब के नीचे हरियाणा, और हरियाणा में छोटी सी दिल्ली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में लंबा सा राज्य केरल, केरल के ऊपर कहाँ से कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोल से गोवा, मध्य में, मध्य मतलब बीच होता है, और इसका सेंटर पॉइंट वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊ और पा और रा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर, ऊपर यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर उसे उत्तराखंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल वाला राज्य पास है पंजाब, पंजाब और एक और राज्य का नाम साथ में लिया जाता है, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा में छोटी सी दिल्ली, ठीक है। अब इधर देखिए, चोंच किस राज्य की निकल ली है, गुजरात की, किसकी निकल ली है, गुजरात, चोंच किसकी निकल ली है, गुजरात, गुजरात में आप ध्यान से देखना, रात में रात से राजस्थान, गुजरात और गुजरात के ऊपर रात से राजस्थान, ठीक है।
गुजरात रात से उसके ऊपर वाला राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश के ऊपर तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश के नीचे क्या आ जाएगा? मा से मध्य प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य के ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य के नीचे मा से महाराष्ट्र, ठीक है। आपको पता है बेसिकली क्या है, उत्तर प्रदेश कैसा राज्य आपको पता है, खेती वेती होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा खेती होती होती है। और आपको पता है खेती कहाँ होती है, गांवों में, लाइक बिहार। तो उत्तर प्रदेश के बगल वाला राज्य, क्योंकि ये भी खेती वेती का मसला है, ये भी, तो कौन सा राज्य होगा? बिहार। आपको पता है पंजाब और हरियाणा एक साथ ले जाते हैं, ऐसे यहाँ पर दो राज्यों के नाम एक साथ ले जाते हैं, बिहार और उसके नीचे वाला झारखंड। कौन सा? झारखंड, ठीक है। आपको पता है बिहार और बिहार के साथ कौन सा राज्य का नाम लिया जाता है? झारखंड। बिहार के नीचे वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। आपको पता है ये जो देश है कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश बाद से बांग्लादेश बाद से बगल वाला राज्य बंगाल। बाद से बांग्लादेश बाद से बंगाल, और कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। आपको पता है जब 1971 में ये 1971 से ये पूर्वी पाक था, जब ये आजाद हुआ तो बांग्लादेश बन गया। तो आपको पता है जब पूर्वी पाक बनाता तो ये जो बंगाल थे इसका विभाजन करके पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश में दे दिया था, और हमारे पास पश्चिमी बंगाल रह गया था, ठीक है। इसलिए बांग्लादेश के बगल में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अच्छा आपको पता है बादल को हम इंग्लिश में, बादल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेघ। बादल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेघ। और मेघ कहाँ होते? ऊपर होते हैं। आपने सुना भी होगा मेघ आए बड़े बंधन के कविता, तो मेघ मतलब क्या है? बादल। और बांग्लादेश के ऊपर बादल से शेप वाला एक है राज्य, और बादल से शेप वाला, और बादल मीन्स मेघ, मेघ मतलब मेघालय राज्य। बांग्लादेश के ऊपर कौन सा राज्य है? मेघालय, ठीक है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा आपको पता होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आज से अरुणाचल प्रदेश, उससे पहले वाला आज से असम, आज से अरुणाचल, आज से असम, ठीक है। आज से असम, आज से अरुणाचल। आपको छोटा पता, आपको भूटान और नेपाल के बीच में एक राज्य हमारा कौन सा? सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम, ठीक है। अब इधर देख लेते, तीन राज्य लाइन से है, तीन राज्य लाइन से है। अब तीन राज्यों को कैसे याद करें हम? आपको पता है कोई स्नैक होता है उसे नाग कहते हैं। नाग के ऊपर क्या होती है? मणि होती है, ठीक है। पहले नाग, नाग के ऊपर मणि, और मणि लेने से क्या होता है? पैसे आ जाते हैं हमारे पास, फिर लाइफ एंजॉयमेंट के साथ बीतती है, ठीक है। यानी कि मजा आ जाता है, पहले नाग, नाग के पास मणि, और मणि से पैसे और मजा, ठीक है। तो नाग से पहला राज्य क्या हो गया? नागालैंड। नागालैंड के बाद नाग के पास क्या थी? मणि। मणि से मणिपुर, और मणि लेने से क्या आ जाता है? एंजॉयमेंट, पैसा। तो मजे से मिजोरम, ठीक है। और ये बांग्लादेश के बगल में और मिजोरम के साइड में कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ये आप याद रख लेना। अब देखिए इधर वाले राज्य देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि तमिलों के ऊपर क्या अंधेरा है श्रीलंका के अंदर, उन्हें समानता नहीं मिल रही, उन्हें रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समानता नहीं मिल रही। तो तमिलनाडु के ऊपर, तमिलों के ऊपर क्या अंधेरा है? यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? अंधेरे से आंध्र प्रदेश। आ से आंध्र प्रदेश, आ से उसके ऊपर वाला राज्य ओडिशा। आज से आंध्र प्रदेश, आज से ओडिशा। अच्छा अगर मैं छत्तीसगढ़ जैसे खींच के बोल रहा हूँ ना, बड़ी की मात्रा भी लग रही है, छत्तीसगढ़। ऐसी राज्य देखिए, आपको खींचा हुआ राज्य लगेगा, ऐसी छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आपको पता है एक ही राज्य हमारा बचा है तेलंगाना।
आपको पता है जो जैसे एक मध्य है तो मध्य प्रदेश हो गया, जो मध्य में, अब नीचे की तरफ ये भी मध्य में ही आ रहा है। मध्य में आपको पता है तेल का कुआं मध्य में ही होता है ज्यादातर, तो ये कौन सा राज्य हो गया? तेल के कुएं से मध्य में ही है और तेल का कुआं यानी कि तेलंगाना। ठीक है, आप इन चीजों को दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है जो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, फिर अब इसे यूटी बना दिया गया, ये आपको पता है, ये जेएनके बन गया, और ये कौन सा बन गया? पहले लद्दाख, ये राज्य था, लद्दाख बन गया यूटी, एक ये अलग, ये यूटी बन गया दोनों। ठीक है, आपको पता है कुल्लू मनाली सब शिमला में, और वो जगह ठंडी जगह यानी कि हिमालय के आसपास, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पंजाब है, हरियाणा है, तो ये कौन सा राज्य हिमालय के आसपास है, ठंडा है, और ठंडा यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अच्छा ये तो आपके राज्य हो गए, फिर भी मैं थोड़े से बता देता हूँ। ये आपको पता है इधर पानी की जो जगह कौन से, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर, ये पश्चिमी है पूर्वी है, अरब सागर। आपको पता है बंगाल की खाड़ी में एक यूटी हमारा कौन सा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये यूटी है। द्वीप समूह और अरब सागर में कौन सा यूटी हमारा, लक्षद्वीप, कौन सा, लक्षद्वीप। आपको पता है यूटी क्या होते हैं, जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। ठीक है, यानी कि जितना भी सभी फैसले उस क्षेत्र के केंद्र सरकार डायरेक्टली लेगी। ठीक है, अब एक बारी मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में लंबा सा राज्य केरल, केरल के ऊपर कहाँ से कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोल सा गोवा, मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य के ऊ और पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊ से उत्तराखंड, पाकिस्तान के बगल में पास है पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा में छोटी सी दिल्ली, चोट किसके निकल लिया, गुजरात के, गुजरात के ऊपर रास है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बगल में किसानी टाइप है तो उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, बिहार और एक और राज्य का नाम नीचे झारखंड। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश बगल वाला राज्य बंगाल, कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश के ऊपर बादल, बादल मीन्स मेघ, मेघ मतलब बांग्लादेश के ऊपर कौन सा राज्य, मेघ मतलब मेघालय। ठीक है, फिर उसके ऊपर असम, और उसके ऊपर आसे अरुणाचल प्रदेश, और उससे पहले आसे असम, तीन राज्य लाइन से नाग मणि मजा, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नाग उससे मनीली और मणि से मजा। ठीक है, तीन राज्य, फिर आपको मैंने बताया था तमिलनाडु के, तमिलों के ऊपर यानी कि तमिलनाडु के ऊपर अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश, बीच में तेल का कुआ तेलंगाना, आज आंध्र प्रदेश, आज से ओडिशा, एक राज्य खींच के बोला जाता है छत्तीसगढ़, और बीच में खींचा हुआ राज्य। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, अब दो यूटी में डिवाइड हो गया 2019 के बाद, एक जम्मू के जेएनके बन गया जम्मू एंड कश्मीर, और एक लद्दाख बन गया, और उन्हीं के बीच में नीचे की तरफ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और आपको पता है इंडिया के पश्चिमी साइड में अरब सागर है और पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में हमारा यूटी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। इसी के साथ आपका मानचित्र की वीडियो खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम कक्षा 10वीं का सिलेबस देखेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।